नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज इटावा मंडी से संबंधित आपको जो खबर देनी है, आज 30 मार्च 2022 है और आज भी जो पल्लेदारों की जो हड़ताल चल रही है, उनका जो डिमांड है कि उनका थोड़ा पेमेंट बढ़ाया जाए, तो जो व्यापारियों के साथ उनका एक विरोध चल रहा है, तो उसके कारण आज भी मंडी में तुलाई नहीं हुई है और मंडी आज भी एक तरह से बंद है, सुनसान पड़ी हुई है मंडी। कोई ट्रॉली नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, और आज भी मंडी बंद रही है एक तरह से। तो आज मीटिंग है व्यापारियों और पल्लेदारों के बीच में 3 बजे, तो उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। तो किसान साथी, अभी पहले से इंक्वायरी कर ले, अगर आप इटावा मंडी में आ रहे हैं अपना जींस लेकर, तो पहले ये पता कर ले कि मंडी चालू हुई है कि नहीं, नहीं तो आपको क्या है परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो किसान साथियों, इटावा मंडी से संबंधित ये खबर आपको देनी थी, इसके लिए मैंने आज मंडी में आके इंक्वायरी की और पता भी किया, तो आज वो कोई कन्फर्म खबर नहीं दे पा रहा है कि मंडी कब चालू होगी, क्योंकि पल्लेदारों की मांग अपनी जगह है और जो व्यापारी है वो उनकी मांग को नहीं मान रहे हैं, या जो भी उनके कारण है, तो वो आपसी मामला है उनका। तो अभी मंडी चालू होगी तो मैं आपको उसकी ज़रूर सूचना दूंगा और आप भी अपने स्तर पर पता कर लें। तो इटावा मंडी से संबंधित यह सूचना आपको देनी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनमोल किसान को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। राम राम। जय जय जवान, जय किसान।